जी नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। कार्यक्रम है आमने सामने। मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री श्याम जाजू जी, स्वागत है। नमस्कार। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा क्यों और कैसे? नरेंद्र मोदी जी ने देश में फ्लैग का कानून बदलकर सब लोगों में एक उत्साह जगाया है, एक रौनक आई है। हर आदमी अपने घर पर अपना तिरंगा, जो अपना प्रेरणा स्थान है, अपना श्रद्धा स्थान है, अपने अस्मिता का प्रतीक है, हमारी पहचान व्यक्त करता है, ये झंडा अपने घर पे फहरा सकता है, उसका सम्मान कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कर पूरे देश में जो अलग जगाई है, इसका उत्साह मैं सभी लोगों में देख रहा हूँ। आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने ये झंडा आम जनता के हाथ में देकर जो आंदोलन खड़ा किया, वही उत्साह आज स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जनता के बीच में जगाया है और उसका संदेश देने का काम हम पूरे दिल्ली में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये संदेश का कार्य लगातार दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अब हर भारतवासी जिसे आन बान शान समझता है, उस राष्ट्रीय ध्वज का कोई दिवस नहीं है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये तो उसका सम्मान तो होता ही है, पर ये केवल एक दिन तक सीमित नहीं है। 12 ही महीने तिरंगा आदमी के मन में रहना चाहिए, उसका सम्मान बढ़ाना चाहिए। हर नागरिक का ये कर्तव्य है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये आम जनता का कार्यक्रम है। और मैं अभी देख रहा हूँ, अभी मैं विदेश जाके आया, भारतीयों के मन में जो आस्था है, उससे ज्यादा श्रद्धा आज विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भी मन में है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का माथा ऊंचा किया है। जी, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। रोशनलाल कंसल जी, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं? ये देखो योगराज भाई, उत्साह तो आप देख ही रहे हो। और ये जब तिरंगा हाथ में आता है ना, इससे इतनी एनर्जी और ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि हमारी आन बान और शान है। हमारे सैनिकों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दी है, अपने आप को हवन कर दिया, तो ये तो हमारी शान है। और आज ये शान पूरी दुनिया में, जैसे श्याम भाई ने कहा, अभी श्याम जी ने, कि भाई ये तिरंगा हाथ में आने के बाद, अभी भाई साहब ने यहाँ भी बताया था कि अभी आपने यूक्रेन और रशिया का युद्ध देखा, जिसके हाथ में तिरंगा था, जब तिरंगे के नीचे खड़ा था, पहले वो यहाँ से चाहेंगे, उनका सम्मान होगा, उनको भूखा नहीं मरने दिया, उनको पहले सम्मान मिला। क्या इंडियन है? नहीं, पहले क्या था? ब्लडी इंडियन। आज इंडिया इज अ ग्रेट, यू आर ए ग्रेट इंडियन। आज पूरी दुनिया में जो परचम लहराया है, ये भाई नरेंद्र मोदी, और ये ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता, अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई। आज ये करोड़ों झंडे आज पूरी दुनिया में लहरे, 20 करोड़ प्लस पूरे हिंदुस्तान में जब ये झंडे जब छतों पे लगे होंगे, तो हमारे सैनिक भी, क्रांतिकारी भी कहीं दुआ दे रहे होंगे कि जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमने आहुत हुए थे, हवन हुए थे, उसके लिए आज हमारे सब हिंदुस्तानी भाई जाग गए हैं और देश विश्व गुरु बनने वाला है। बिल्कुल, देश विश्व गुरु। भारत माता की जय। तो मैं चाहूंगा कि राजकुमार भाटिया जी आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानकारी दें, और इस तरह के कार्यक्रम कितने जरूरी? जिस समय आपको ध्यान होगा, देश आजाद हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तिरंगा केवल सरकारी ऑफिसेज के लिए और सरकारी इमारतों के लिए सीमित कर दिया था। तिरंगा कोई आर्टिकल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तिरंगा एक भाव है, और इस भाव को जागृत करने का काम अमृत महोत्सव के अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तिरंगे को हर घर पहुँचाने का काम, कोई भी व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लगा सकता है, ये भाव देना श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज इस कार्यक्रम में श्याम जाजू जी ने उनके अग्रदूत बनकर, उनके ब्रांड एम्बेसडर बनकर तिरंगे की आन बान शान को जनता के बीच में पहुंचाने का काम आज इस डिस्ट्रिक्ट पार्क में किया है। और ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, जब तक पूरे देश की जनता में, 100 करोड़ घरों में, जब तक लोगों को ये ना लगने लगे कि तिरंगा मेरी एसेट्स है, तिरंगा मेरी धरोहर है, तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा इस देश की आन है, ये भाव पैदा करते हुए मैं नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जितने भी बैन थे सबको हटाकर जनता के बीच में एक खुला रूप देने का काम किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, जिस कार्यक्रम के संयोजक है जयकिशन गोयल जी, किस तरह से शुरुआत हुई और आगे क्या लक्ष्य है? ये तिरंगा हमारा आन बान शान है,
और इसको हमने लोधी गार्डन में करीब एक हफ्ता पहले आयोजन किया था, उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्याम जाजू जी के नेतृत्व में कम से कम हमने 10 से 15 जगह ये प्रोग्राम रखा है और आगे भी ये जारी रहेगा। और मेरे निवास स्थान से ये राष्ट्र ध्वज सबको फरीद वितरित किया जाएगा और आदरणीय भाई राजकुमार भाटिया जी हमारे जो जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में भी हम ये काम कर रहे हैं और हर घर तिरंगे की हमारी ये यात्रा आगे जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत माता की। ये तिरंगे की यात्रा जारी रहेगी, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जो है लगे हुए हैं। लेकिन एक बार फिर हम इस तिरंगे की बात करें और इतिहास में जाते हैं तो 10 अगस्त 1947 ऐसा दिन था जिस दिन इस राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में पास किया गया था और 22 जुलाई 1947 को यह राष्ट्रीय झंडा जो है पास होके इस स्वरूप में आ चुका था जिसके 3 रंग और अशोक चक्र आया था। तो इस पूरे इतिहास को लेकर जब पहली बार तिरंगा फहराया गया उससे लेकर अब तक कैसा सफर देखते हैं? आज भारत 2022 का भारत है, भारत का आवाज बुलंद हो चुका है, पूरे विश्व में भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। इतने दिन लोग कहते थे कि भारतीयों के लिए कोई दूसरा देश नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व ने ऐसा परिचय दिया है कि आज भारत के नागरिकों के हितचिंतक, सहयोगी, आधारवश और हितचिंतक पूरे विश्व में फैले हुए हैं। हर देश में भारत के लिए लोग अच्छा सोचते हैं, भारत के लिए शुभकामनाएं देते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की गरिमा है, उनके कर्तृत्व का ये परिणाम है और इसमें पूरे जनता की सहभागिता है। इसलिए हर घर तिरंगा यह आंदोलन पूरे देश में सब राज्यों में बहुत यशस्वी तरीके से चलेगा और यशस्वी होगा, इसके बारे में हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। जी बिल्कुल, जिस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके सब लोगों को निर्देश दिया था तो नाम भी जाहिर किया था श्री पिंगले वेंकैया जिन्होंने इस राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था और उनके बारे में सम्मान प्रकट किया, तो ऐसे शख्सियत को भी याद रखा जाना बहुत जरूरी है। आज आमने सामने कार्यक्रम में केवल इतना ही, फिर एक नई शख्सियत और एक नए स्थान से आपके सामने आएंगे, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।